गाइज हमारी अम्मा यहाँ पे खेतों में देख लो चारा लेने आ गए हैं। एंड भाई लोगों अभी बताने का टाइम आ चुका है एंड वन ऑफ न्यू फैमिली मेंबर कौन सा है। सो चलो एंड चलते हैं जल्दी से दिखाते हैं। तो आपके सामने पेश है नौ हमारा फैमिली मेंबर डांटर। ये बहुत ही बड़े होते जा रहे हैं बट अभी तक पके नहीं है, ये कच्चे ही कच्चे हैं। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। सो गाइज बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रहे हैं, जैसे कि 5 दिन हो गए बट ब्लॉग नहीं आ रहा था एंड फाइनली आज ब्लॉग स्टार्ट किया है। थोड़ा काम में बिजी थे एंड थोड़ा तबीयत ठीक वगैरह नहीं थी। सो चलो चलते हैं एंड ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। सो आज करते हैं ब्लॉग, एक मस्त सी ब्लॉग की शुरुआत। जी हाँ एंड देखते हैं ब्लॉग में क्या होगा। वैसे तो मैं डेली ब्लॉग करता था बट वो चैलेंज कंप्लीट नहीं किया मैंने, 21 डे डेली ब्लॉगिंग की, उसके बाद में मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी। सो चलो चलते हैं एंड ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। चलो भाई लोगों अभी हमारे खेत में ट्रैक्टर से जुताई चल रही है। भाई लोगों एकदम पूरे तरीके से खेत की जुताई हो गई है, एक बार चेक दिस आउट। सो भाई लोगों अभी हमारे यहाँ पे एक काम नया स्टार्ट हो चुका है, वो आपको नहीं पता बट मैं अभी आपको बता देता हूँ एंड वो काम दिखा भी देता हूँ कि नया काम है एंड वो क्या स्टार्ट हुआ है। सो चलो चलते हैं एंड देखते हैं। चलो चलो वैसे भाई लोगों मैं अभी छत पे आ चुका हूँ एंड जो चीज़ दिखानी थी वो अभी दिखाता हूँ। एक बार चेक दिस आउट, वहाँ पे हमारे यहाँ पे मूँगफलियाँ निकल रही हैं, शायद थ्रेसर दिख रहा होगा आपको। हमारे यहाँ पे हमारे तो मूँगफली भी उखड़नी भी बाकी हैं एंड इस साइड में निकल रही हैं। सो कितनी अच्छी बात है। तो चलो चले जीतू, चलो ब्लॉग को करते हैं चलो। ये बहुत ही बड़े होते जा रहे हैं बट अभी तक पके नहीं है, ये कच्चे ही कच्चे हैं। सो हम करेंगे अभी हमारी भैंसों को पानी पिलाना स्टार्ट। चलो चलते हैं उनको जल्दी से पानी पिला देते क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है तो उनको दिन में 2 टाइम तो पानी पिलाना ही पड़ता है। अबे इसकी तो बातें सुनो। तो चलो कर रहा है यार ब्रो, तू वो करेला चारा डाल रहा है, तू अकेली को चारा डाल रहा है, बाकियों के लिए नहीं है, इसके लिए है। अम्मा काम कर रही है, आप देख सकते हो अम्मा चारा निकाल रही है। गाइस ये है हमारे इस खानदान की सबसे बूढ़ी भैंस, ये रही गाइस देख सकते हो ये अम्मा। तो भाई लोगों अभी मैं आपको मिलवाऊंगा हमारे न्यू फैमिली मेंबर से जो कि बहुत ही क्यूट एंड प्यारा सा है। सो क्या कहता तू, मिलवाए या नहीं मिलवाए? मिलवाए। चलो तो मिलवाते, दुर्गेश ने बोल दिया है मिलवाते हैं। तो तू दिखाएगा, एक्सप्लोर कराएगा? मैं नहीं कराऊंगा, तुम कराओगे। चलो मैं कराऊंगा एंड बहुत ही इतना प्यारा सा है, मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है बताने के लिए आपको। सो चलो एंड चलते हैं चलो। तो भाई लोगों अभी बताने का टाइम आ चुका है एंड वन ऑफ न्यू फैमिली मेंबर कौन सा है। सो चलो एंड चलते हैं जल्दी से दिखाते हैं। तो आपके सामने पेश है नौ हमारा फैमिली मेंबर डन टटन टुडू 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 टुडू। ये देखो गाइस 5 दिन ही हुए हैं यार। 5 दिन कहाँ हुए हैं यार, 4 दिन कल परसों ही तो आया है ये तो। अरे 4 दिन हुए ना। वैसे भाई लोगों ये है हमारा न्यू फैमिली मेंबर। अच्छी पट्टी में हो गया
ये देखो गाइस, ये ऐसा ही। अरे अरे मत मत कर, मत कर, मत कर। और एक और है गाइस, ये रहा, इसको तो जानते हैं यार, ये पार्टी, ये गाइस पार्टी है हमारी। ना 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 ना। शाम हो चुकी है इस पार्टी के बाफने के टाइम, सो ये लो एंड खा लो। खा ब्रो खा। नहीं खाती है मम्मी, होता नहीं खाती है। अरे अरे खा ले खा ले खा ले, तेरे को हमारी अम्मा खिला रही है, खाती नहीं है। भाई लोगों, इस साइड गाय से दूध निकाला जा रहा है और इस साइड भैंसों से दूध निकाला जा रहा है। देख लो गाइस दोनों तरफ। ओए छेरी, आज तो नहीं आता ना, ढोके रेडी हो गई है। ओए 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 ओए, तू नहीं आज? अरे ये तो मूंगफली खा रही है। छी 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 छी, आज तो ना ढोके रेडी हो गई है गाइस। ये देखो, मैं अभी आया था भैंस गाय को चारा खिलाने के लिए यहाँ पे, एंड एक मस्त सी चीज दिखी, आपको दिखाता हूँ। ये रही, चेक दिस आउट गाइस, कछुआ देख लिया मैंने तो। ये रहा, अभी शायद मुंह खोलेगा, ये मुंह खोल रहे, मुंह खोल यार। अबे यार, तूने तो मेरी बेइज्जती करवा दी, कितना प्यारा है गाइस, कितना प्यारा है। अबे ये तो वेट में बहुत ज्यादा है, गिर जाएगा बेचारा। यहाँ पे रख देता हूँ, चलो। हमारा भैया यहाँ पे भैंसों को चारा डालना स्टार्ट कर दिया है गाइस, चेक दिस आउट, ये देख ले डाल रहा है। भैया इतना जल्दी चारा क्यों डाल रहा है? अरे भैया मंदिर में, हाँ मंदिर में बैठा हुआ तो आड़े आड़े लेके जा रहा है। भाई हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि कैमरे में आना नहीं चाहते। दो पाड़े खड़े हैं, एक ये रहा इतना बड़ा एंड एक वो रहा वहाँ पे खड़ा है, बड़े बड़े हो गए। मैंने आगे वाले ब्लॉग में बताया था कि ये मक्का इतनी बड़ी हो गई है एंड इतनी, वो छोटे थे उससे बड़ी बहुत ही हो गई है एकदम, देख लो भाई लोगों। भाई लोगों, अभी मैं चारा लेने जा रहा था तो एक बार इस साइड देखो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मूँगफलियाँ हमारे यहाँ पे उखड़नी स्टार्ट हो चुकी है। ये पड़ी देख लो गाइस, गाइस ये देख लो, ये एक बार बहुत ही ज़्यादा है एंड देखो एक बार पूरी मूँगफलियाँ निकल चुकी है। वो हम दादी के पास जा रहे हैं एंड वहाँ से चारा लेके फिर वापस आएंगे घर, चलो। हमारे साथ में जीतू एंड दुर्गेश भी हैं, हाय कर दो। गाइस हमारी अम्मा यहाँ पे खेतों में देख लो चारा लेने आ गए हैं एंड वहाँ पे मम्मी वगैरह हैं एंड यहाँ पे अम्मा, क्या मतलब उपड़ा भू लेन जाओ ब्रा। तो हेलो गाइस, तो ये पर मैंने लिया और हम अम्मा को लीला उपड़ा है, देखो और वहाँ रहा ट्रैक्टर। भाई लोगों, चारा दादी ने उठा दिया है, हाँ जाओ विटामिन है। भाई इस उम्र में भी चारा उठाना कोई आम बात नहीं है दादी की, हालांकि उम्र है 65-70 साल के हैं शायद, और देख लो एक बार कैसे जा रहे हैं। मैंने बोला कि दो मैं उठा लेता हूँ, तो मैंने बोल दिया नहीं मैं लेके जाऊँगी, तो मैं अभी दूसरा वाला एक लेके जाता हूँ। गाइस ये मेरी बारी है, इसको लेके जा रहा हूँ तो दुर्गेश चले। कैमरा तो सही पकड़ यार, सही है यार, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन ले गए दिल का चैन। भाई लोगों, अभी मैं आया था खेतों की तरफ एंड शाम भी हो चुकी है, तो आज के इस वाले ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर वॉल पर सेट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।